लगातार पीछे लगे रहना, ऐसा होना चाहिए प्रार्थना का भाव। हालेलुया, हालेलुया। एंड वी मस्ट प्रे विद ह्यूमिलिटी, और हमें विनम्रता के साथ प्रार्थना करना है। व्हाट इज ह्यूमिलिटी? विनम्रता क्या? सपोजिंग टुडे आई प्रेड, टुडे आई प्रेड, मैंने आज मैंने प्रार्थना करी, आई फॉलोड ऑल प्रिस्क्रिप्शन व्हिच आई स्पोक एंड इट इज कंटिन्यूएशन इन द 3 डेज और 4 डेज, और जो कुछ वचन अभी पढ़े उनको मैंने पूरा पालन किया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 5th डे आंसर डजंट कम, 5वां दिन हो गया उत्तर नहीं आया, ऐसा हम नहीं प्रेयर करेंगे, तो हमें गुस्सा आ जाता है कि भाड़ बजाए हम नहीं करेंगे प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज हॉटीनेस इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, और ये परमेश्वर के सामने अपना गुस्सा दिखाना, दिस इज एरोगेंस इन साइड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने अकड़ दिखाना, दिस इज रिबेलियस एटीट्यूड टुवर्ड्स द लॉर्ड, जैसे एक तरह से बलवा करना। 2 Chronicles 7 chapter 14 verse says, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं अपने आप को मेरे सामने दीन करें तो मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा। One lady mentioned in a Bible Matthew 15 chapter, this is a Canaanite woman. एक कनानी स्त्री का वर्णन है मत्ती के 15वें अध्याय में। First she was denied. पहले उसको मना कर दिया गया। Jesus said, I have come to the Israelites. You are the Gentile. You are Canaanite. So I won't listen your prayer. यीशु ने साफ साफ उससे कह दिया कि मैं तो अपने यहूदी लोगों के लिए आया हूँ, मैं अन्य जातियों के लिए नहीं आया हूँ, तुम तो कनानी स्त्री हो। Lord was testing her faith. ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर उसके विश्वास को परख रहे थे। But she says, Lord, bless my daughter. I won't leave you. और उसने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे आशीष दे, मेरी बेटी को छुटकारा दे, मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। Someone can say in anger, oh, बड़े बनते हैं, हाँ, हम। और कोई होता शायद तो ये कहता है कि देखो इनको कितना घमंड है यहूदी होने का और ये हमें तुच्छ समझता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उस स्त्री ने ऐसा नहीं किया। She left her all pride and she humbled in front of the Lord and Lord says, Lord, please bless me. और उसने अपना सारा घमंड या सारा अकड़ उस परमेश्वर के सामने त्याग के और बिल्कुल हम्बल दीन हो के कहा कि प्रभु नहीं, मुझे तो छुटकारा और आशीष देना ही है तुझे। हालेलुया, हालेलुया। सो नाउ कम्स दैट हिंड्रेंस टू द प्रेयर, और अभी प्रार्थना में रुकावटें कैसे आती हैं ये जाने। आई टोल्ड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्रेयर, प्रार्थना के सारे पॉइंट बताए। नाउ व्हाट आर द हिंड्रेंस द प्रेयर इज नॉट बीन आंसर्ड, क्यों प्रार्थना नहीं पूरी हो रही है, देर लग रही है, उसमें क्या रुकावटें हैं? Unbelief. सबसे पहले हमारा अविश्वास। James 1:6 says, first chapter 6 verses, it is difficult to please the Lord without faith. याकूब के पहले अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। He is a double-minded. He is tossing in the wind. Sometimes he say, I believe in the Lord. Sometimes he won't believe. उसने कहा कि प्रार्थना करने वाले को संदेह नहीं करना। अगर वो संदेह कर रहा है, तो वो ऐसे जैसे कि दो तरफ हिलकोरे खा रहा है। Second is, दूसरा है unforgiving heart. आपका अक्षम्य हृदय, जिसमें आपने दूसरों को माफ नहीं किया है, वो अक्षमाशीलता, उसकी वजह से भी प्रार्थना होती है। It is mentioned in Mark 11 chapter 25 verse. मरकुस के 11वें अध्याय उसकी 25वीं लाइन में लिखा है। Jesus said himself. यीशु ने खुद कहा। Before going to the altar, just you must forgive your friend, your believer. कि अपने विश्वासी भाई को, बहन को या किसी को आप वेदी के सामने जाने से पहले माफ कर दें यहीं पर। थर्ड इज, तीसरा है, व्हाई टू फॉरगिव, और क्यों माफ करना है? बिकॉज़ गॉड हैज फॉरगिवन अस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया। ही डिडंट होल्ड आवर सिन, उसने हमारे पापों को पकड़ के नहीं रखा, छोड़ दिया, माफ कर दिया। ही हैज रिलीज्ड फ्रॉम द ऑल कैप्टिविटी, उसने हमें सारे बंधनों से छुटकारा दे दिया। सो फ्रीली इज गिवन, फ्रीली गिव, तो हमें फ्री में सेहत रख दिया है, माफी नामा, तो हमें दूसरों को देना। सो वी शुड नॉट होल्ड इनइक्विटी ऑफ एनी ओवर ब्रदर एंड आवर सिस्टर, तो हमें अपने अंदर किसी के भी लिए इस तरह से भावना रखनी नहीं। I am saying this is very simple to say, but it's very difficult to forgive. Hallelujah. हम सब जानते हैं, बोलना आसान है, पर ये करना बहुत मुश्किल होता है। Sometimes, पर हमें करना है। Sometimes I also feel difficulty. Hallelujah. मैं भी इसमें से होकर गुजरता हूँ, पर हमें ये करना है। We have to overcome. We have to overcome because we are overcomer in Christ Jesus. हमें इन भावनाओं से जीत के ऊपर आना। Then third is iniquity.
तीसरा है इनिक्विटी मींस दिस इज अ इमोरल बिहेवियर और बिहेवियर व्हिच इज नॉट फेयर अनफेयर बिहेवियर एक ऐसा आचरण या व्यवहार जो परमेश्वर के सामने सही नहीं है गलत है मींस दैट दिस इज अ डेलिबरेट ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड डेलिबरेट जानबूझ कर पाप मतलब परमेश्वर के साथ मर्जी के खिलाफ किया गया जानबूझ के किया गया काम दिस इज इनिक्विटी ये है पाप अगर दिल में ऐसा रखते हैं तो लॉर्ड विल नॉट हियर अवर प्रेयर इस तरह की अक्षमाशीलता की भावना नहीं अमक्षम नहीं पाप अधर्म अधर्म का पाप अगर रखते हैं अपने मन में कुछ पाप रहते हैं तो कुछ छुपे हुए जो पाप रहते हैं अगर दिल में हमारे हैं तो परमेश्वर को पता इस फॉर एवरीवन इस फॉर एवरीवन हालेलुया सबके लिए फोर्थ इज आस्किंग एमिस प्रेयर और चौथा है कोई दुर्भावना से बुरी भावना से किसी के लिए प्रार्थना मांगना आस्क एनीथिंग विद रॉन्ग मोटिव्स कोई भी चीज गलत उद्देश्य के लिए मांगना और आउट ऑफ द विल ऑफ द गॉड या परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ मांगना इट इज जस्ट बेलम वाज अ प्रोफेट बेलम बलाम जो था वो भविष्यवक्ता था हु वाज मेंशन हु इज मेंशन इन नंबर्स 22 टू 24 चैप्टर इन ओल्ड टेस्टामेंट जो पुराने नियम में गिनती के 22वें से 24वें अध्याय तक उसका वर्णन है पढ़िएगा इसको ही वाज अ विकेड प्रोफेट वो एक दुष्ट प्रकार का भविष्यवक्ता था बट नॉट अ फॉल्स प्रोफेट लेकिन झूठा नहीं था So what happened that he wanted to get a praise from the king Balak. और वो बालाक नाम का जो राजा था उससे अपनी प्रशंसा करवाना चाहता था. Wanted to reward it many things of pleasures this world. और उससे बहुत सारी आशीषें या उससे बहुत सारे गिफ्ट लेना चाहता था. And he was called by the king Balak. और बालाक राजा ने उसको बुलवाया भी था बालाम को. Why? क्यों? To curse Israelite who were passing through the Canaan. जो कनान से होकर उस वक्त इज़राइली गुजर रहे थे, उनको आओ और शाप दो। This is enemy's prayer. ये है बुरी भावना के प्रति। Lord did not hear the prophet Balaam. परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता बलाम की नहीं सुनी। तो he was a prophet. वो भविष्यवक्ता था। A mighty prophet. बहुत बड़ा ऐसा भविष्यवक्ता। But Lord did not hear the enemy's prayer, the prayer which is having a wrong motive or wrong nation against anyone galat uddeshya ke sath ki hui uski prarthna ko kisi ke bhi khilaf parmeshwar nahi sunta sometimes we also see that let fire come and consume him kai baar hum sochte hain ya aisa dekhte hain ki prarthna karte jaate hain ki are prabhu aag barsa de aur sab khatam kar de hallelujah because we fed up of seeing the people's behavior jab log wahan dekhte hain to hum kai baar thak jate hain pareshan ho jate hain So we say, Lord, let the fire come and consume them because they are not hearing. You are not coming on the way. Like Elijah and Elijah, they brought the fire from the heaven. So many times we say, सही मिनट इतने लोग मरते हैं इसका कुछ नहीं होता तो दिस इज आई मिस प्रेयर नॉट वांट हियर इट डोंट डू इट ये गलत प्रार्थना है ऐसा कभी मत करिएगा परमेश्वर इसको नहीं सुनता नो हियर आई एम एम्फसाइजिंग अ परसिस्टेंस प्रेयर यहां पर हम जोर देंगे लगातार की प्रार्थना पर इट इज रिकॉर्डेड इन लूक 18 चैप्टर प्लीज रीड लूका के 18वें अध्याय में इसका वर्णन है 6-8 उसके छठे वचन से हम इसको पढ़ेंगे Then Jesus compared the unjust judge with the God. If a wicked and unjust judge would grant justice to the widow, how much more will a merciful and just God grant the justify to his chosen ones? प्रभु ने कहा सुनो या धर्मी न्याय क्या कहता है इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं क्या वे उनके विषय में देर करेगा हालेलुया जीसस सेज दैट टेल द पैराबल अबाउट अ विडो यहां पर एक ऐसे दृष्टांत बताया यीशु ने विधवा स्त्री के बारे में हु वाज अपीलिंग टू द अनजस्ट जज वो एक अधर्मी न्यायी था उसके पास बार-बार जाकर अपील करती थी That just neither feared the God nor man. और वो ना मनुष्य से डरता था ना परमेश्वर से डरता था। He never cared about men. वो इंसानों की भी परवाह नहीं करता था। He was an evil judge who treated a man without any justice or mercy. वो लोगों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करता था एक दुष्ट प्रकार का न्याय था। And he was waiting for the widow to pay some bribe. और वो चाहता था कि ये जो विधवा
स्त्री अपना न्याय मांगने जो मेरे पास आती है तो मुझे कुछ रिश्वत दे. एंड द लेडी वाज टू पुअर एंड डेस्ट्यूट लेडी कैनॉट पे अ ब्राइब. और वो गरीब स्त्री थी तो वो रिश्वत नहीं दे सकती थी. हालेलुया हालेलुया. बट शी हैज अ क्वालिटी. लेकिन उसके पास एक गुण था. व्हाट वाज द गुण? वो गुण क्या था, खूबी क्या थी उसकी? Persistency. वो लगातार बोलती थी उसके पास जाके, बार बार उसका दिमाग खाती थी. Jesus himself said this parable. यीशु ने खुद ये कहानी बताई है, ये दृष्टांत बोला है. Jesus himself told this parable to these disciples. यीशु ने खुद अपने शिष्यों को ये दृष्टांत बताया है. So being a wicked and evil judge, he is giving justice to the widow lady. हालांकि वो न्याय दुष्ट था, लेकिन फिर भी उसके बार 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 जाके बोलने की वजह से उस स्त्री को उसने न्याय दिया. तो वाई वी मस्ट मोर बी कॉन्फिडेंट टू द गॉड हु इज अवर गुड गॉड, हु इज अ जस्ट गॉड. व्हाई नॉट ग्रांट अ जस्टिस, विल नॉट आंसर अवर प्रेयर. तो जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा न्यायी है, जो भला है, जो दयालु है, वो क्यों नहीं अपने बच्चों की प्रार्थना या उनको न्याय देगा या प्रार्थना सुनेगा? हालेलुया. We are learning two things from here. हम यहाँ से दो चीजें सीख रहे हैं. Means like an unjust judge, God may not answer our appeal immediately. हो सकता है कि तुरंत परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर ना आए जो हमने मांगा. God's time and our time are different. हमारा समय परमेश्वर का समय अलग अलग होता है. Why? क्यों? Because 2 Peter 3 chapter 8 verse says. क्योंकि दूसरे पत्रस के तीसरे अध्याय के आठवें वचन में लिखा है, One day is equal to 1000 years. परमेश्वर क्या एक दिन हजार दिन के बराबर? हालेलुया हालेलुया. इतने दिन तो आदमी निपट जाएगा 100 साल में. हजार दिनों में तो इंसान, हजार सालों में तो इंसान खत्म ही हो जाता है. So there is, we cannot compare them. His timing, our timing is different. तो हम अपने समय और उसके समय को कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, अलग अलग होता है. Here Lord's give our answer at the right time. लेकिन ये है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर बिल्कुल सही समय पर देता है. He will not delay. वो देरी नहीं करता. But we must have ability, a persistency in our prayer. लेकिन हमारे पास एक योग्यता होनी चाहिए लगातार की, निरंतर बोलते रहने की प्रार्थना. What is a persistency? क्या है लगातार पीछे पड़ना? Ability to stick something continuously without stopping, unceasingly doing anything. लगातार की प्रार्थना या लगातार पीछे पड़ना, वो काबिलियत है बिना थके, बिना हारे किसी चीज से चिपके रहना और लगातार उसका पीछा करना. Suppose I am learning guitar. मान लीजिए मैं अगर गिटार सीखता हूँ. So daily I am practicing. तो मुझे रोज उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. Without stopping. बिना एक भी दिन रुके. So that is persistence. ये है पीछे पड़ना, ये लगातार करना. So that our persistency shows our faith to the Lord. और हमारा निरंतर पीछे पड़ना हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वास को दर्शाता है. Hallelujah. Hallelujah. So and second we'll see which is recorded in Luke 11 chapter 5-8. Another persistency. Please read. लूका के 11वें अध्याय, 11 chapter. पांचवा आठवां. Jesus said to them, Which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, please lend me some 3 loaves of bread, for my minor friend has arrived over a journey. तब यीशु ने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर कहे कि हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है. एंड 8th verse says, I tell you that he will not get up and give him anything because of he is his friend, yet because of his impudence he will rise and give him anything whatever he needs. मैं तुमसे कहता हूँ, 8वें वचन में लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसको जितनी आवश्यकता है उतनी उठकर देगा. एंड 9 सेज, आई टेल यू इफ यू आस्क इट विल बी गिवन अनटू यू. और 9वां वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. इम्पुडेंस इज मींस आस्किंग विदाउट एनी रिस्पेक्ट, बेशरम. और इसका सार ये इन बातों का कि बेशरम होके परमेश्वर से मांगते रहो.
that he is going to the friend in shamelessly and boldly awaking his neighbor in the night. जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति उसको आधी रात को बिना शर्म के अपने दोस्त के पास मांगने चला गया और मांगता ही रहा जब तक उठ के दे नहीं दिया. Hallelujah. Hallelujah. Impudence, there the persistence has come. वहाँ पर लगातार पीछे पड़ना था. Widow lady, persistency. वो विधवा स्त्री का दृष्टांत. Here the word come impudence. यहाँ पर बेशर्मी वर्ड शब्द आया. But both are the same. लेकिन दोनों ही एक तरह से एक सिक्के के दो पहलू. There she is asking for herself. वहाँ पर वो अपने लिए मांग रही थी. Here he is interceding for his neighbor. और यहाँ पर उसके पास कोई दूसरा आ गया उसके लिए वो मांग रहा है मध्यस्थता कर रहा है पर मांग रहा है बेशर्म. This is intercessory prayer. ये मध्यस्थता की प्रार्थना थी. She is asking for her justice for herself from the Lord. वो विधवा स्त्री अपने लिए न्याय मांग रही थी. So you believe. तो आप विश्वास करें. Pray for someone to get saved or get saved or get salvation from the Lord. Why not Lord will save that concerned relative or your friend? I'm telling you in the name of Jesus. अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के लिए या किसी के लिए उसके उद्धार की प्रार्थना कई सालों से कर रहे हैं तो विश्वास रखिए आप लगातार मध्यस्थता की प्रार्थना जारी रखिए जरूर से जरूर उनका उद्धार होगा. So in the same way, the friend who is a man and he is listening the prayer impudence of the neighbor and is giving in the midnight a loaf of bread to the friend, why not the Lord who is merciful and caring, why not he will answer our prayer? To jo Jesus himself said, यीशु खुद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो उसका पड़ोसी था वो अपने घर में आया हुआ मेहमान के लिए बेशर्मी से रोटियाँ मांग रहा था और वो कह रहा था कि मैं सो गया हूँ, मैं लेट गया हूँ, अब नहीं दूंगा, लेकिन फिर तो बार बार बेशर्मी से मांगने के कारण उसने दिया. तो यीशु कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर पिता हमें क्यों नहीं देगा. Hebrews 4 chapter 2 verses, let's go boldly to the throne of grace so that we can obtain unmerited favor and the grace in the time of need. इब्रानियों के चौथे अध्याय में वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने निर्भीक होकर उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाओ ताकि हमें वो फेवर मिल सके जो हमें जरूरत है जिसकी. If we paraphrase it, इसको उल्टा करें तो अगर आप इसको रिवर्स कर दें, the prayer of the greater intercessor cannot avail if men persist in their unbelief. Mind it. बड़े से बड़ा मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला भी उसकी प्रार्थना का उत्तर रुक सकता है या नहीं मिलेगा अगर उस प्रार्थना करने वाले के दिल में विश्वास नहीं है, अविश्वास है तो. Ezekiel 14:14. Read please. What happened? Ezekiel 14. And I'm closing. Ezekiel chapter 14 verse 14. चौदह अध्याय उसका तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे. प्रभु यहोवा की यही वाणी है. हालेलुया. हालेलुया. थ्री ग्रेट मैन, तीन महान ऐसे परमेश्वर के दास, उनका नाम लिया गया है जॉब, अय्यूब, डैनियल एंड नोआ. इन द ओल्डन टाइम इन जेनेसिस द नोआ वाज प्लीडिंग टू हिज पीपल. और उत्पत्ति में पुराने नियम में पुराने समय में उत्पत्ति के अध्याय में बताया गया है कि जो नूह था वो उस समय के लोगों के लिए परमेश्वर से विनती करता रहता था. He could not save that the wicked widow from being drowned. और जब परमेश्वर ने जल प्रलय लाया था उससे वो उन सभी लोगों को नहीं बचा सका नूह. Because they were constant persistence in their unbelief. क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा अविश्वासी थे जितना ये नूह प्रार्थना करता था उससे ज्यादा वो अविश्वासी थे. जॉब, अय्यूब, but a righteous man could not preserve his children from being killed by the fall of their house. और वो धर्मी व्यक्ति था लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं बचा सका था. डैनियल, the righteous man could not pervert the captivity of his country. वो अपने दानियल अपने लोगों को बंधुआई में जाने से नहीं बचा सका था हालांकि वो धर्मी था. हालेलुया. हालेलुया. So what I'm saying here? मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? The people are led to captivity, led to astray because they are kept sinning and they have the haughty heart. They were unwilling to the Lord. That's why they were led to the captivity for the 70 years.
और दानियल के समय में जो इसराइली लोग बंधुआई में चले गए थे 70 साल के लिए, वो इसलिए चले गए थे क्योंकि वो मन से ढीठ थे, उनके दिल में जिद्दी बना था और वो परमेश्वर की सुनते नहीं थे। इवन दानियल हिमसेल्फ वेंट टू द बेबीलोन, हालेलुया। के चक्कर में क्योंकि पूरे इसराइल के लोगों को ले जाएंगे तो दानियल भी उसमें बंधुआ बनाकर ले जाया गया। एंड हिजकेल हु इज राइटिंग दिस दिस चैप्टर हिमसेल्फ ही आल्सो वेंट टू द कितनी बड़ी बात है कि खुद परमेश्वर इन तीन लोगों के नाम लेके उनकी बड़ाई कर रहा है कि ये तीन जिनकी मैं सुनता हूँ, लेकिन लोगों के ढीठ पड़ने के कारण इनकी भी नहीं सुनी। सोचो कि इसकेल नवर गॉट जेलस दैट मेरा दोस्त डैनियल को लॉर्ड इज प्रेजिंग एंड इज नॉट टेकिंग माय नेम एंड इट रिकॉर्डेड इन द स्क्रिप्चर। और सोचो इसकेल को जब ये वचन परमेश्वर लिखवा रहा था तो उसके अंदर जलन की भावना नहीं है कि हम साथ के भविष्यवक्ता है, एक साथ बंधुआई में है और प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, डैनियल का नाम ले रहा है तो वो मेरा नाम नहीं ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेयर, कि प्रार्थना की विशेषता क्या, Why they are being stopped? और वहां प्रार्थनाएं क्यों रुकी? This is unbelief and amiss and iniquity in a heart. They are the main things which and we don't believe to the Lord that Lord is exist. Hallelujah. और ये उन लोगों ने ऐसा ढीठपना क्यों दिखाया था? क्योंकि उनको ये विश्वास ही नहीं था कि कोई परमेश्वर है जो उनके कामों को देख भी रहा है। Let's close our eyes. आइए हम अपनी आँखें